हेलो एंड बख़ैर राग ले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर सब्ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे बड़ी एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट आ रही है। वैसे तो पाकिस्तान जिस रीजन में वाक़ है, चार कंट्रीज़ के साथ पाकिस्तान बॉर्डर शेयर करता है और किसी के साथ थोड़े से बेहतर ताल्लुकात है और किसी के साथ काफ़ी ख़राब ताल्लुकात हैं, जिसमें इंडिया है, अफगानिस्तान है, ईरान के साथ बेहतर भी हो जाते हैं, कभी थोड़े बहुत ख़राब भी हो जाते हैं। चीन के साथ भी बॉर्डर हम शेयर करते हैं, लेकिन उनके साथ इस किस्म की कोई चीज़ नहीं है, मतलब बॉर्डर के ऊपर या उधर इधर कोई चीज़ नहीं है इस किस्म की। सीपैक पे भी वो लोग काम कर रहे हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द थ्री कंट्रीज के साथ कुछ ना कुछ चलता है। मैंने कहा कुछ किसी के साथ ज़्यादा, किसी के साथ कम। पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं फॉर अफगानिस्तान इज स्पेशल एनवॉय आसिफ दुरानी साहब, जो ऑलरेडी सर्व कर चुके हैं एज ए हाई कमीशन, हाई कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान इन इंडिया, इन यूके और बाकी बहुत सारे कंट्रीज में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। उनका एक स्टेटमेंट अभी आया है जो इस्लामाबाद ISSI इंस्टीट्यूट है, उन्होंने एक रोज़ा एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की थी पाकिस्तान इन द इमर्जिंग ग्लोबल लैंडस्केप के हवाले से, के नाम से। उसमें उन्होंने एक बात कही कि पाकिस्तान को जो नुकसान या प्रॉब्लम्स अफगानिस्तान की वजह से है, वो इंडिया के साथ जंगों से नहीं हुए। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तीन जंगें हुई, आपस में यानी आमने सामने फौजें थी, इंडिया के पास भी एक बड़ी फौज उस वक्त भी थी, आज भी है, और पाकिस्तान के पास भी उस वक्त के लिहाज से भी एक बड़ी फौज थी और आज भी एक बड़ी फौज मौजूद है। दोनों ठीक है, उस वक्त न्यूक्लियर पावर नहीं थे, लेकिन बाकी चीज़ें सब कुछ उनके पास, एक रशियन मेड वेपन मौजूद था, पाकिस्तान के पास US मेड वेपन मौजूद था और एक दूसरे के खिलाफ बड़ी जंगें लड़ी हैं तीनों ने। इससे हट करके हम ये कहें कि जी उस जंग में पाकिस्तान की जीत हुई और इंडिया की हार हुई, या इंडिया की जीत हुई पाकिस्तान की हार हुई, इससे हट कर जंगे हुई, मतलब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, फिर अफगानिस्तान के साथ अगर हम देखते हैं तो इस किस्म की जंगें हमारी नहीं हुई, बड़ी जंगें नहीं हुई, लेकिन हालात इतने बदतर क्यों हैं, इसके ऊपर आज बात करेंगे। और इंडिया के साथ जंगें हुई, ठीक है, हालात खराब भी होते हैं, लेकिन इतना नुकसान नहीं हुआ जितना कि अफगानिस्तान की वजह से हुआ, वो जानी हो या माली हो, हमारी इकोनॉमी को हो या बाकी हमारी सोसाइटी को हो, इसके ऊपर आज बात करेंगे। और बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। अच्छा जी, बात हम कर रहे हैं किस चीज़ की? बात हम इस वक्त कर रहे हैं, बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है और वो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट। आज का नहीं है, मैं ये कहूँगा कि जिस वक्त वहाँ पे तालिबान से पहले हुकूमतें रही, गनी साहब की, अशरफ गनी साहब की, उलस मशर थे और हामिद करजई साहब थे, उनकी हुकूमतों में भी हमारे गिले शिकवे, ये बात मेरे ख्याल सबको पता है, कोई ऐसी नई बात नहीं है, पहले भी गिले शिकवे थे। हम उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया करते थे, बल्कि हम ये भी कहा करते थे कि इंडिया अपनी प्रॉक्सीज अफगानिस्तान के जरिए खेलता है और हमें डिस्टेबलाइज करता है। खैर, वक्त जो है वो रुकता नहीं है, वो चलता रहता है, आगे की तरफ बढ़ता रहता है। एक टाइम वो भी आया 15 अगस्त 2021, जिस वक्त अमेरिका ने अनाउंस किया कि यार हम अफगानिस्तान छोड़ रहे हैं, और उन्होंने अफगानिस्तान की जो भाग दौड़ थी वो तालिबान के हवाले कर दी, यानी अफगान तालिबान के हवाले की। अब हुआ ये कि अभी भी हमारे अक्सर लोग एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं, एक दूसरे के हवाले से बात करते हैं और ये कहते हैं कि भाई हम लोग का जो मसला है अफगानिस्तान के साथ, ये उस वक्त लोगों को ये लगा, हमारे बहुत सारे मिनिस्टर्स थे, बहुत सारे लोग थे, ख्वाजा आसिफ साहब का बहुत जिक्र होता है, हमारे उस वक्त के DG ISI
जनरल फैज हमीद का जिक्र होता है और बहुत सारे लोगों ने, पॉलिटिकल लोगों ने भी और हमारे जर्नलिस्ट कम्युनिटी ने भी, कुछ लोगों ने कहा कि चलो जी अब तो वहां अपनी हुकूमत आ गई। यानी ऐसी हुकूमत, उनका ख्याल था कि अब जो हम कहेंगे वही होता रहेगा। लेकिन आसिफ दुरानी साहब चूंकि अफगानिस्तान में रहे भी एज एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान और उसके अलावा बड़ा एक्सपीरियंस रखते हैं, ये बात मैं इसलिए मानता हूं कि उनके साथ इंटरेक्शन रहती है, शोज में भी आप मेरे उनको देख चुके हैं, फिर भी कोशिश करेंगे कि उनको बुलाएं इस रीजन के ऊपर, वो समझते हैं क्योंकि अफगानिस्तान में भी हो रहे हैं, इंडिया में भी हो रहे हैं और ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीज है जहां पे, और ईरान भी, मैं ये नहीं कहता कि ईरान इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन काफी सारा इनके पास इंफॉर्मेशन होती है इस हवाले से और इस प्रॉब्लम्स को जानते भी हैं। अच्छा, वो बहुत सारी बातें करते हैं, वो ये कह रहे हैं कि देखें, वो कहते हैं कि जो जंगे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुई उसमें शायद इतना बड़ा नुकसान इसलिए नहीं हुआ। वो क्यों कहते हैं कि जब उसका कंपैरिजन हम अफगानिस्तान के साथ जंग में, यानी अफगानिस्तान के साथ तो डायरेक्टली जंग नहीं थी लेकिन कोई टीटीपी की सूरत में या किसी दाइश की सूरत में या जिस सूरत में भी पाकिस्तान का आमना सामना लगा रहा, 80,000 से ज्यादा लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे, जिसमें हजारों के हिसाब से जो आपके यानी पाकिस्तान के सिक्योरिटी के लोग थे उनकी जाने भी गई और आम सिविलियंस भी बहुत सारे मारे गए। अच्छा, इसके साथ साथ हमारी जो इकोनॉमी, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ उसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ, कुछ हमारी पॉलिसीज का भी इसमें अमल दखल है कि हमने उसको सही नहीं बनाया। तो अफगान या जो हमने 2001 के बाद से जो वॉर लड़ी ऑलमोस्ट अभी भी जारी है, मैं यही कहूँगा 2024 में भी 23 साल से, इसकी वजह से $150 अरब का नुकसान हमारी इकोनॉमी को हो चुका है। यानी इस वक्त हम 1.1 अरब डॉलर के लिए जो जो चीज़ें हमसे करवाई जाती है, जो जो ऑर्डर्स वाशिंगटन से जारी होते हैं, IMF का डेलीगेशन आता है जो यहाँ पे हमें वो फिर जलील करते हैं, उस सारी चीज़ों को जब हम देखते हैं उस हवाले से, फिर यानी अब 150 अरब डॉलर अगर हमारी इकोनॉमी को ये नुकसान ना होता तो शायद हमारी हालत बेहतर होती। लेकिन ये हम किससे पूछेंगे, वो कहते हैं कि किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, वो वाली बात है। दुरानी साहब ने ये बात की और उन्होंने गलत नहीं कहा, लेकिन एक तो ये बात भी उन्होंने साथ कही कि इस जंग से अभी निकलने के कोई चांसेस नहीं है। दूसरी बात ये उन्होंने कही कि फिलहाल अगर कोई ये समझता है कि काबुल के साथ हर चीज नॉर्मलाइज हो जाएगी तो ये भी गलत है। यानी ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उनकी जो पूरी उनका एक स्टेटमेंट है उस हवाले से उन्होंने बात की। अब अगर ये चीज मतलब डिस्टेबलाइज रहती है तो इसका मतलब है कि जो हमारा नुकसान है, जो हम कहते हैं कि ऑलरेडी जो तीन हमारी बड़ी जंगें हिंदुस्तान के साथ हुई उससे बढ़कर है, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि इसमें मजीद इजाफा होता जाएगा। अच्छा, वहां पे तालिबान जो हुकूमत है कुछ ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान की फेवर उन्होंने नहीं की होगी, की थी की है, लेकिन सारे के सारे ऐसे नहीं है। वो कहते भाई हमें कोई वो नहीं करना, इन लोगों ने हमारे मुल्क के अंदर, बहुत सारे लोग आज भी गिला करते हैं जो मतलब किसी का फादर, किसी का कौन, किसी का कौन उन जंगों में था और उनके बच्चे या खुद अभी वो मौजूद हैं, वो कहते हैं कि जिस तरीके से हमारे एम्बेसडर को US के हवाले किया और मुल्ला ज़ईफ को, और फिर इसके साथ साथ और बहुत सारी ऐसी चीज़ें की गई जिसके ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि अफगान तालिबान का गुस्सा हमारे ऊपर ठंडा नहीं हुआ। मैं ये नहीं कहता कि उनकी सारी बातें ठीक हैं, लेकिन उनकी सारी बातें गलत भी नहीं हैं। हाँ, हम क्या मैकेनिज्म बना रहे हैं या क्या मैकेनिज्म बनाएंगे कि हम इस मसले से निमट ले एक अच्छे तरीके से। नुकसान अफगानिस्तान का होता हो ना या ना होता हो, हमारा बहरहाल अच्छा खासा नुकसान हुआ है और अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। पहले वो हमें कहते थे कि जी हम अमेरिका का साथ दे रहे हैं, हम डबल गेम खेलते हैं,
अमेरिका भी ये इल्जाम लगाता रहा है और अफगान हुकूमत भी ये इल्जाम लगाता रहा है कि हम एक तरफ अमेरिका की वाह वाह करते हैं कि चलो जी आप इधर मारो इधर मारो, दूसरी तरफ हम वहां पे जो तालिबान लड़ रहे हैं उनको भी हम कुछ इंफॉर्मेशन या जो भी कर सकते हैं, तो हमारे ऊपर ये दोनों साइड का इल्जाम है। अच्छा आज अमेरिका तो चले अपने लोगों को निकाल के निकल गया, अमेरिका बैठा हुआ आज भी अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालता है और तालिबान इस पे नाराज है कि भाई आप हमारे मुल्क को डिस्टेबलाइज करते रहे। अब मसला ये हुआ कि पाकिस्तान की वो पॉलिसी जो शायद उस वक्त कामयाब रही होगी, मैं कह सकता हूं कि शायद किसी हद तक कामयाब रही होगी, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म पे सोचा जाए उस चीज को तो वो इंतहा की, जिसे कहते हैं कि वो चीजें बैक फायर हुई हमें, हमारे ऊपर तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने भी हमले किए। अब हम ये कहते हैं कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान को अफगान तालिबान की हुकूमत एक सपोर्ट दे रही है और अभी कल ही यानी यस्टरडे कुछ ऑपरेशन किया पाकिस्तान की मिलिट्री ने और उसमें वजीरिस्तान से एक आदमी जो जिंदा पकड़ा है और कहा कि ये एक टेररिस्ट है, उनका एक वीडियो बयान भी जारी किया है पाकिस्तान ने और उसमें वो कह रहा है कि भाई बॉर्डर तक हमें उनकी पूरी सपोर्ट हासिल है, ये अफगान तालिबान का वो कह रहा है। अब इन वाली चीजों में सारी बात यह है कि वो आदमी पकड़ा गया है, वो उनके दो साथी मारे गए ऑपरेशन में, अब इसमें कितनी हकीकत है ये भी एक बड़ा सवाल है। फिर इसके ऊपर पाकिस्तान इस तरह की चीजों को उठाता तो है अफगानिस्तान के साथ या काबुल के साथ, अभी आगे जाके इन मसलों को उठाकर क्या काबुल हमें सुनेगा, ये ऐसी चीजें हैं कि अनफॉर्चुनेटली अभी तक ये एड्रेस नहीं होती। फिर सोने पे सुहागा, अभी हमने जो एक 15 अप्रैल से एक ऑपरेशन शुरू किया गया, इल्लीगल जो अफगान इमिग्रेंट्स है पाकिस्तान के अंदर उनको निकाल रहे, उसकी वजह से भी एक फिजा में एक अजीब किस्म की मैं ये कहूंगा कि एक स्टिफनेस सी मौजूद है, एक बड़ी सख्ती सी मौजूद है, अफगानिस्तान के लोग भी और अफगान हुकूमत भी इस चीज को बुरा मान रही है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि इंडिया के साथ नुकसान नहीं हुआ या जो भी कह रहे हैं, क्या इंडिया के साथ हम अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाएंगे? अफगानिस्तान के साथ ठीक है हमारे कंसर्न्स चल रहे हैं, इंडिया के साथ हमारे इस तरह की चीज तो नहीं है कि हम ये कहते हैं कि जी वो TTP के लोगों को भेज देता है या उनको बॉर्डर तक हेल्प करता है, ये इल्जाम हमारा पहले इंडिया पे होता था, अब इंडिया के ऊपर नहीं हम ये इल्जाम लगाते। मेरे ख्याल जो बात अच्छी है, लेकिन अब हम अफगानिस्तान को ये इल्जाम देते हैं कि अफगानिस्तान हुकूमत कर रही है और कुछ जिस तरह मैंने कहा कि अभी रिसेंटली जो बंदा पकड़ा गया एक यंग आदमी है तो वो ये बयान दे रहा है कि जी हमें ये सपोर्ट दे रहे होते हैं। अब ये चीजें पाकिस्तान अगर दोबारा से अफगान हुकूमत के साथ इसको उठाता है मुख्तलिफ फोरम्स पे तो उससे वहां से क्या हमारी वो बात सुनेंगे या उसके ऊपर कोई अमल होगा, क्योंकि अभी इन 2.5-3 सालों में एक दफा भी ऐसी चीज नहीं हुई, शायद एक दो दफा छोटे एक्शन हुए और शायद तालिबान को कहा भी गया हो, लेकिन उस टोन में नहीं कहा गया जिससे शायद वो फिर समझे कि हाँ हम रुक जाएंगे। एक बात और भी है और अफगानिस्तान की हुकूमत को जो मुझे लगता है कि उनको एक डर ये भी है कि अभी तो ये पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं, अगर हम इनके साथ सख्ती करते हैं तो ये अफगानिस्तान के अंदर उनकी मौजूदगी है ये उनको हमसे बेहतर पता है, हम तो ये कहते हैं कि आपके यहाँ लोग मौजूद हैं लेकिन उनको हमसे इसलिए बेहतर पता है क्योंकि उनके वो साथी रहे हैं, एक साथ लड़े हैं, वो उनको उनकी स्ट्रेंथ का भी पता है और उनकी वीकनेसेस का भी पता है, तो वो शायद उनको एक ख्याल ये भी है कि ये लोग हमारे खिलाफ लड़ना शुरू कर सकते हैं तो फिर उनके पहले ही मुश्किल है क्योंकि कहीं पे रिकग्निशन नहीं है, कभी उस तरह का कारोबार नहीं है उनके पास दुनिया के साथ, तो फिर उनके लिए मजीद मुश्किलें बढ़ जाएंगी। ये भी एक मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा रीजन है कि वो इनके खिलाफ यानी TTP के खिलाफ वो कोई स्ट्रिक एक्शन नहीं करता और आगे जाकर भी कोई इस किस्म के चांसेस नजर नहीं आते कि कोई ऐसा एक्शन किया जाएगा। अच्छा अगर अफगानिस्तान के साथ हमारी बातचीत बेहतर नहीं हो रही, जो होनी चाहिए, जो बेहतर होना बहुत ज्यादा जरूरी है
خیبر پختونخوا کی حکومت کہہ رہی کہ جی بات چیت کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے. تو یہی ہماری خیبر پختونخوا کی جب حکومت لاسٹ ٹائم بھی تھی تو ان کی بات چیت ہوئی, اس کے بعد پھر جنگ کیوں شروع ہوئی؟ یہ جواب یہ دے دیں, یا اگر باقی لوگ وہاں پہ کور کمانڈر تھے جنرل فیض حمید وہ جواب دے دے, اب تو وہ ایک سویلین ہے مطلب ریٹائرڈ ہو چکے ہیں, تو وہ جواب دے دے کہ بھائی کیا ہوا تھا. لوگ انٹرویوز دیتے ہیں, اس دن باجوہ صاحب نے کہا کہ جی مجھ سے قسم اٹھوا لو کہ میں نے عمران خان کی حکومت کو ایسا ویسا نہیں کیا, جو بھی تھا. تو لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں ایسا تھا جو بھی ہے, لیکن ایک اب تو وہ اس طرح کی بات نہیں ہے, اب تو وہ اوپنلی آ کے میڈیا میں کہیں پر بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں کہ یار ایسا نہیں تھا یا جو بھی ہے, اپنا ڈیفنس کر سکتے ہیں. پہلے تو کہتے چلو جی ہمیں وردی نے, کیونکہ ہم نے وردی پہنی ہوئی ہے یونیفارم پہنا ہوا, تو ہم اس طرح بات نہیں کر سکتے یا اس طرح کی اجازت ہمیں نہیں ہے. تو اب تو وہ سویلین ہے وہ بتا دیں, جو خیبر پختونخوا کی لاسٹ حکومت تھی وہ بتا دے, اور یہ والی حکومت بھی بتا دے کہ اس بات چیت کے بعد کیا رزلٹس آئے, کتنے پرسنٹ بہتری ہمیں نظر آئی, یا انہوں نے ہمارے اوپر کتنا ٹرسٹ کیا اور ہم نے ان کے اوپر کتنا ٹرسٹ کیا. یہ وہ سوالات ہیں, وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر میرے خیال سے ہمیں تھوڑا سا دھیان دینا پڑے گا, سوچنا پڑے گا, اور ساتھ میں اپنے نیبرز کے ساتھ ہمیں اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے. میرے کچھ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جا کے ہمیں تھپڑ مارنا شروع کر دو, ہم کھڑے ہیں بارڈر, نہیں اس طرح نہیں. ایک طریقہ کار ہوتا ہے ہر ملک کے پاس ہوتا ہے, بے شک نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا, آپ نے ٹرمپ کو دیکھا ہوگا کہ وہ جان کم کے ساتھ کھڑے تھے, مطلب ایک ذہن نہیں مانتا نا اس چیز کو, لیکن ایسا ہمیں نظر آیا, ایسا ہم نے دیکھا. امریکہ رشیا کے درمیان میں بہت سارے کانفلکٹس ہیں, لیکن ان کے پریزیڈنٹ آپس میں ملے بھی ہیں, ملتے بھی ہیں, بہت کچھ ایسا. تو ایسی چیزیں انڈیا اور پاکستان, پاکستان اور افغانستان, ایران اور پاکستان, چین اور پاکستان کے درمیان بھی پاسبل ہے, ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی امپاسبل چیز ہے, لیکن اس کے لیے پوری ایک ول چاہیے ہمیں. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی وہ لوگ یہ کرتے ہیں, ہم نے کشمیر کے اندر ان چیزوں کو شاید اب ختم کر دیا ہے کیونکہ حالات کافی سٹیبل ہیں, تو آپ انڈیا کے ساتھ اگر بات کرتے ہیں تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ چلیں جو ہوا وہ ہوا ہے, لیکن اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو کم از کم یہ جو تین چار سال پانچ سال گزرے ہیں اس میں جو سٹیبلٹی آئی ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ ان کے لوگوں کا یا ان کی حکومت کا یا ان کی ملٹری کا رول نہیں ہے, صرف پاکستان کا رول ہے, لیکن پاکستان نے بارڈر کے اوپر جو سیز فائر ایگریمنٹ ہے اس کا پاس رکھا, بلکہ میں کہوں گا دونوں کنٹریز نے رکھا. اس طرح کی کوئی بات اب ہم نہیں سنتے کہ وہ ہمارے اوپر یہ کہہ دیں کہ جی انہوں نے فائر کر کے ایسے بندے مار دیا یا یہ نقصان کر دیا, اور ہم یہ کہیں کہ انہوں نے ایسا کر کے ہمارا یہ نقصان کر دیا, یہ والی خبر اب نہیں آتی. کوئی مطلب جسے کہتے ہیں نا سال میں کوئی دو چھوٹی خبریں آ جائیں سو آ جائیں, وہ بھی شاید اس طرح کی نہیں ہوتی, بہت ہی معمولی قسم کی چیز ہوتی ہے, لیکن بڑی چیز مطلب تھینک گاڈ کی نہیں آ رہی. تو اس چیز کے جو کانفیڈنس ہے آئی تھنک سو کہ اس وہ بڑھ رہا ہوگا انڈیا کو بھی, پھر کیونکہ یو ایس بھی اس چیز کے اندر ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی انوالو رہا ہے, سعودی عربیہ رہا ہے, تو بات ہو سکتی ہے, ایسا نہیں ہے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ افغانستان کے ساتھ, لیکن افغانستان کے ساتھ آصف درانی صاحب کا بھی اسٹیٹمنٹ ہے کہ نہیں, اور میرا ذاتی بھی یہ خیال ہے کہ فی الحال افغانستان کے ساتھ ہماری پوزیشن اسٹیبل ہونا مشکل ہی نظر آ رہا ہے. ہاں دعا یہی ہے کہ مزید بدتری نہ ہو, مزید مشکلیں نہ ہو, جو بہت سارے جو ایکسپرٹس ہیں اب وہ یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں ہمارے ان کے ساتھ. اس لیے ویسٹرن بارڈر ہو, ایسٹرن بارڈر ہو, یا کوئی اور ہمارا بارڈر ہو, اس کے اوپر ہمیں دیکھنا پڑے گا, سوچنا پڑے گا. بہتری کی گنجائش ہر جگہ ہوتی ہے, غلطیاں بھی ہر طرف سے ہوتی ہیں, لیکن اس کے لیے ہمیں ایکسپرٹ لوگوں کو, یعنی آصف درانی صاحب ایکسپرٹ آدمی ہیں, آپ ان کو لے سکتے ہیں. ہاں یہ ایک بات ہے کہ پاور ان کے پاس ہو, ان کو ایک فری ہینڈ دیا جائے کہ بھائی آپ اس چیز کو آگے لے کے بڑھیں پازیٹیولی, مطلب پنڈی کی طرف سے جو آرمی ہمارے پاور رکھتی ہے ان کی طرف سے یہ بات کلیئر ہو کہ بھائی آپ کو ہم ایک وہ دیتے ہیں, فری ہینڈ دیتے ہیں, اور آپ اس کے اوپر اپنا رول پلے کریں. تو غالباً ہو سکتا ہے وہ ساری چیزوں کو اسٹڈی کر کے اور بتا سکتے کہ ہاں کہاں پہ آپ نے پاور کا یوز کرنا ہے اور کہاں پہ آپ نے ٹیبل کا یوز کرنا ہے, دونوں چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے. خیر اینی وے جیسے جیسے ڈیولپمنٹس اس حوالے سے ہوتی رہیں گی,
आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।